नमस्कार मैं प्रिय रंजन और आप देख रहे हैं ट्रेडर्स ड्रीम आज के इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे अडानी इंटरप्राइजेज स्टॉक के बारे में हमने देखा कि वन साइडेड एक ट्रेंड दिखा और उसके बाद इस समय देखेंगे तो ये स्टॉक पिछले दो तीन दिनों से जो है डाउन ट्रेंड में ट्रेड हो रहा है और इस समय इस स्टॉक में देखेंगे तो सेलॉन राइज की स्ट्रेटजी जो है सेलॉन राइज की स्ट्रेटजी दिख रही है एपिसोड को आगे बढ़ाएं इससे पहले आई होप कि आपने वीडियो और चैनल को शेयर कर दिया है इसके साथ ही अगर अभी तक आपने प्रीमियम टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है तो उसको भी ज्वाइन करें और साथ में अगर आप हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक से चाहे तो अकाउंट ओपन करें अगर आप हमारे एक्टिव ट्रेडिंग कम्युनिटी और लर्निंग ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं यहाँ कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ ट्रेंड हुई है पहला देखेंगे या दी वाइड है ये हमेशा उल्टा सीधा न्यूज ही छापता है तो मैं आपको पहले बता दूँ और यहाँ देखेंगे अडानी इंटरप्राइजेज टू नियर अराउंड थाउजेंड करोड़ एन के थ्रू और यहाँ ये क्या लिख रहा लिख रहा है कि एन सी डी आर इशूड बाई कंपनी टू द पब्लिक टू रेस लॉन्ग टर्म फंड ये तो आपको पता ही होगा दे अकाउंट बी कन्वर्टेड इन टू शेयर और इक्विटी एन को भी जो है uh, दो प्रकार का एन होता है uh, एक एन को जो है इक्विटी uh, में भी कन्वर्जन किया जाता है दूसरा को नहीं किया जाता है दे पे इंटरेस्टेड ऑन द पीरियड बेसिस एट मैच्योरिटी ये बात तो सही है कि उस पर आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है लेकिन सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड जो डिवेंचर होता है एनसीडी के थ्रू तो जो सिक्योर्ड होता है उसमें जो कंपनी के जो लास्ट में कंपनी का वैल्यू बचता है उसको अलग अलग भागों में बांट करके आपको दिया जाता है और बहुत बार हमने देखा कि एन के बदले जो है कंपनी ने शेयर भी दिया है तो ये थोड़ा बहुत जो है आ, असत्य है और यहाँ रेटिंग कंपनियों के द्वारा अडानी इंटरप्राइजेज और अडानी ग्रीन के रेटिंग को निगेटिव करते हुए हमने ऑलरेडी देखा है यहाँ देखेंगे इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च ऑन मार्च सेवन लोअर द आउटलुक ऑफ अडानी इंटरप्राइजेज एंड अडानी ग्रीन एनर्जी टू निगेटिव फ्रॉम स्टेबल ये ऑलरेडी न्यूज़ दिखा और इसके कारण ही पैनिक रहा और उससे भी बड़ी खबर रही थी कि जो सर्विलांस के द्वारा एक मेजरमेंट uh, के लिए यहाँ देखेंगे सर्विलांस ने एस एम कैटेगरी में तीन स्टॉक को अडानी पावर विलमार और इंटरप्राइजेज को दिया था जिसके बाद थोड़ा बहुत पैनिक दिख रहा है ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि फंडामेंटली इस समय कुछ प्रॉब्लम है या ये टर्न अराउंड नहीं करेगी लेकिन हो सकता है कि डाउन साइड में देखे तो 15, 50, 60 तक के लेवल दिख सकता है तो इस समय थोड़ा शॉर्ट टर्म ट्रेडर कौशन बरतेंगे एक मेजर रेजिस्टेंस 2000 के आसपास का दिख रहा है इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करता है तो इजिली देखेंगे तो ट्वेंटी से थर्टी तक के लेवल दिखेंगे तो मैं भी आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा वट डू यू थिंक क्या ये ट्वेल्व के नीचे जाएगा कि थ्री के ऊपर इसके कमेंट और व्यूज़ को ज़रूर शेयर करेंगे